निकल कर आई, तो राज्यों को क्या दिशा निर्देश दिए गए, मंत्रालयों को क्या दिशा निर्देश दिए गए और आने वाले समय के लिए लक्ष्य क्या है, ये हमें धीरे धीरे जब पता चलेगा तब और ज्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन अब यहाँ पर एक सीसामऊ नाला गिरता था, वो नाला काफी प्रदूषित था जो कानपुर शहर से होकर गुजरता था, और नमामि गंगे परियोजना के तहत 28 करोड़ रुपए की लागत से उस नाले को साफ किया गया। वहाँ पर एसटीपीज वहाँ पर दो लगाई गई और उसके बाद उस पानी को गंगा नदी में छोड़ा गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि गंगा नदी का ये हिस्सा साफ हो गया। और वहीं पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने नौकायन कर पूरे देश को एक संदेश दिया है। संदेश ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो